हेलो फ्रेंड्स, मैजिक ट्रिक्स रिवेंड में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज एक और शानदार ट्रिक लेके आया हूं दोस्तों, जो एकदम बढ़िया ट्रिक है, आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हो कभी भी कहीं भी। तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, बहुत छोटा वीडियो होगा और बहुत छोटी मैजिक होगी और बढ़िया मैजिक होगी, तभी आपको पता चलेगा ये मैजिक कितनी इजी है, आप भी परफॉर्म कर सकते हो। हमारी मैजिक आज इस चीज से होगी दोस्तों, ये रहा कॉर्क जो आप ढाकन करके बताते हो, जो पेप्सी के बॉटल का है, कोक के बॉटल का है, वो वाला है। तो हमारी मैजिक हो गया इस चीज से। चलो तो फ्रेंड चलते हैं परफॉर्मेंस पे। तो चलो फ्रेंड शुरू करते हैं इसके परफॉर्मेंस को। ये देख सकते हो मेरे हाथ में एक कॉर्क है, अब मैं इसको इस पर प्लेस करूंगा, प्लेस कर दिया, अब इसको हम लोग वैनिश करेंगे। देख सकते हो दोस्तों ये वैनिश्ड है, अब हम लोग इसे निकालेंगे अंदर से। ये देख सकते हो निकला हुआ है दोस्तों। ये थी दोस्तों हमारी मैजिक। अब मैं दिखाता हूं इसके ट्यूटोरियल्स को। दोस्तों मैं इसके ट्यूटोरियल में जाने से पहले एक और चीज कहना चाहूंगा, जैसे कि आप सबको पता है हमारे चैनल का प्रमोशन चल रहा है, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और ढेर सारी मैजिक्स मैं लेके आने वाला हूं, तो हमारे लकी विनर भी बने। मैं हर बार कहता हूं, जैसे कि हमारे डेक गिव अवे और मोबाइल गिव अवे, तो हर बार कहना नहीं चाहता, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं इसके ट्यूटोरियल्स पे। चलो फ्रेंड्स मैं इसके ट्यूटोरियल्स पे लेके जाता हूं। इसके लिए आपको एक बॉटल कैप चाहिए होगा, ये देख सकते हो एक बॉटल कैप, कोई भी कैप, और सेटिंग होगी ये दोस्तों, मेरा हाथ देख सकते हो, सेटिंग होगी ये। बस आपको इधर से इस कैप को दिखाना होगा, ऊपर प्लेस करना होगा, और वैनिश करने के चक्कर में कस्टर स्पेक्टेटर के आगे जो भी करना है, वैनिश के चक्कर में ऐसे निकालना होगा जो कि आपके हाथ में रहेगा, और इसको ऐसे छोड़ देना होगा, एकदम कैजुअल खड़ना होगा दोस्तों, हाथ ऐसे खुले छोड़ के, पता नहीं चलेगा कि मेरे हाथ में क्या है करके। तो फिर कहना होगा मैं रिप्रोड्यूस करूंगा करके, अंदर लेके जाना होगा, एक्चुअली कैप ऐसे निकालना होगा दोस्तों, स्लोली निकाल के प्रोड्यूस करना होगा, और एकदम बढ़िया रिएक्शन रहेगा दोस्तों। ये थी हमारी ट्रिक और ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।